नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इससे कुछ महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस ने टीएससी सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया है। सिंहदेव छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता माने जाते हैं। कैसी है टीएस सिंहदेव की सियासी ताकत, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके नियुक्ति की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, डिप्टी सीएम के रूप में जिम्मेदारी मिलने पर महाराज साहब को बधाई और शुभकामनाएं। आइए यहां समझते हैं कि कांग्रेस को चुनाव से कुछ महीने पहले टीएस सिंहदेव को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वजह है कि तीखे तेवर अख्तियार करने के बाद भी कांग्रेस सिंहदेव को नजरअंदाज नहीं कर पाई। अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव कांग्रेस के प्रमुख नेता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सरगुजा में उनकी मजबूत पकड़ है। इतना ही नहीं, सरगुजा शाही परिवार के वंशज सिंहदेव पार्टी में आलाकमान के भरोसेमंद भी हैं। सिंहदेव का 6 जिले से बने सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर सीधे असर माना जाता है। इस संभाग को छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। यही वजह है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं सीटों पर खड़े वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसलिए सभी दलों की नजर सरगुजा संभाग पर रहती है। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला यूं ही नहीं ले लिया। उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। उनके इस बयान के बाद अटकलें लगने लगी थी कि वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर वह चुनाव से पहले पार्टी बदल लेते तो कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।